नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण और आप सभी का स्वागत है न्यूज क्लिक के शो डेली राउंडअप में। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। किसान आंदोलन के 9 महीने पूरे, सिंघु बॉर्डर पर किसानों का राष्ट्रीय सम्मेलन। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बिजली मिस्त्री को 20 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। यूपी सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगे से जुड़े 77 मामले लिए वापस, नहीं बताया कोई कारण। और अंत में हम बात करेंगे कोरोना अपडेट की। देश में पिछले 24 घंटों में 46,164 नए मामले, संक्रमण से 607 लोगों की मौत। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के प्रदर्शन के 9 महीने पूरे होने के अवसर पर किसान बृहस्पतिवार से सिंघु बॉर्डर पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में किसानों, महिलाओं, युवाओं और मजदूरों के संगठनों के 1500 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का लक्ष्य केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन को गति और विस्तार प्रदान करता है। सम्मेलन में बृहस्पतिवार को 3 सत्र आयोजित होंगे, जिसमें उद्घाटन सत्र सहित औद्योगिक श्रमिकों, कृषि श्रमिक, ग्रामीण, गरीब एवं आदिवासी लोगों पर एक एक सत्र आयोजित किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, इस आंदोलन में दिल्ली की सीमाओं पर लाखों और देश में करोड़ों किसान और उनके समर्थक शामिल हुए। इस अद्वितीय आंदोलन ने भारत में किसानों और उनके भविष्य के मुद्दों को सार्वजनिक बहस में सबसे आगे ला दिया है। इस जन आंदोलन ने लोकतंत्र में नागरिक शक्ति का विश्वास बहाल किया है। इसने किसानों को देश में सम्मान हासिल करने में मदद की है। इसने भारत में कृषक समुदायों के बीच जाति, धर्म, क्षेत्र, राज्य और अन्य विविधताओं से ऊपर उठकर एकता और सद्भाव के बंधन को मजबूत करने में मदद की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बिजली के खंभे से गिरकर 100% दिव्यांग हुए बिजली मिस्त्री को 20 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश बुधवार को दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि इस राशि से उसके लाभ के लिए किराना दुकान खोली जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि मुआवजे की राशि का 50-50% हिस्सा दिल्ली के कई इलाकों में बिजली वितरण करने वाली कंपनी BSES राजधानी पावर लिमिटेड और BRPL के लिए मरम्मत और देखरेख का काम करने वाली MS ब्रांड कंस्ट्रक्शन कंपनी देंगे। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भाम भाई ने कहा कि 28 वर्षीय बिजली मिस्त्री भरत जिंदा हैं और वह मुश्किल से जीवित बचा। अदालत ने उत्तर प्रदेश को निर्देश दिया कि वह भरत को दिव्यांग पेंशन, निशुल्क फिजियोथेरेपी आदि मुहैया कराना जारी रखे, जिसकी समय समय पर उसे जरूरत पड़ेगी। भरत इस समय उत्तर प्रदेश में रह रहा है। न्यायमूर्ति ने 20 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश देते हुए कहा कि अदालत द्वारा 2016 में दिए निर्देश के तहत पीड़ित पूरी राशि को अपने खाते में रखने और सावधि जमा करने को अधिकृत है। उच्चतम न्यायालय को मंगलवार को बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना कारण बताए 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे से जुड़े 77 मामले वापस ले लिए हैं, जिनका संबंध ऐसे अपराधों से है जिनमें उम्र कैद की सजा हो सकती है। प्रधान न्यायाधीश NV रमण, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ वकील अश्वनी उपाध्याय द्वारा दायर की याचिका पर सुनवाई करने वाली है, जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज मामलों का त्वरित निस्तारण करने का अनुरोध किया गया है। इस मामले में न्यायमूर्ति नियुक्ति किए गए वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने वकील स्नेहा कलिता के मार्फत दाखिल की गई अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्य सरकार ने बताया कि 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगे के संबंध में मेरठ जोन के 5 जिलों में 6,869 आरोपियों के विरुद्ध 510 मामले दर्ज किए गए हैं। और आखिर में हम बात करेंगे कोविड के बारे में। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 46,164 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,25,58,530 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 3,33,725 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बृहस्पतिवार को सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से 607 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,36,365 हो गई है। देश में अभी 3,33,725 लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 1.03% है। पिछले 24 घंटों में एक्टिव मरीजों की संख्या में कुल 11,398 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 97.63% है। आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक कुल 51,31,29,378 सैंपल्स की कोविड-19 संबंधी जांच की गई है, जिनमें से 17,87,283 सैंपल्स की जांच बुधवार को हुई है।
देश में बृहस्पतिवार सुबह तक कोविड 19 टीकों की कुल 4.38 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया। Thank you.